ऑडिबल, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, एक क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है 240 mm स्टीम मीन 210 meters लॉन्ग इज कवर्ड विद 80 mm ऑफ हाई टेम्परेचर इंसुलेशन जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी 0.092 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस में दे रखी है। 40 mm ऑफ लो टेम्परेचर इंसुलेशन, एक हाई टेम्परेचर इंसुलेशन है जिसकी की 50 mm थिकनेस होने वाली है और एक लो टेम्परेचर इंसुलेशन है जिसकी की थिकनेस 40 mm होने वाली है। थर्मल कंडक्टिविटी दोनों की ही दे रखी है। द इनर एंड द आउटर सर्फेसिस आर मेजर्ड एट 390 डिग्री एंड 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कह रहा है हीट लॉस पर यूनिट पर आवर निकालो, हीट लॉस पर आवर निकालना है। ठीक है, एक स्टीम पाइप ले लेते हैं जिसके अंदर कुछ स्टीम फ्लो हो रही है, यही तो बोल रहा है वो। क्यों? इसकी लेंथ है एल, इसका रेडियस है सम आर वन, और आर वन अपने को गिवन है कितना, 240 mm। लेंथ भी पता है कितनी, 210 mm, सॉरी मीटर्स में। यार ये किसकी आवाज आ रही है, आवाज को बंद करो, होता आवाज बंद करो, किसकी आवाज आई है, डिस्टर्बेंस आ रहा है, किसके पीछे कोई बोल रहा है बैकग्राउंड में, आवाज बंद करो। ये 210 मीटर लॉन्ग पाइप है और 240 mm का डायमीटर है। अब क्या बोल रहा है कि 50 mm की एक हाई टेम्परेचर इंसुलेशन लगी है। अब देखो उसने ये नहीं बोला कि 50 mm की इंसुलेशन अंदर लगी है बाहर लगी, उसने बोला दो इंसुलेशन है, एक एक का टेम्परेचर, एक हाई टेम्परेचर है एक लो टेम्परेचर है। उसने ये नहीं बोला कि हाई टेम्परेचर की बाहर लगी है या लो टेम्परेचर की बाहर लगी है, उसने कुछ नहीं बोला, उसने बस हाई टेम्परेचर बोला। अपने को ये समझना चाहिए कि जो स्टीम जो है वो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है इट्स वेरी ऑब्वियस कि जिस द थर्मल इंसुलेशन विच इज कैपेबल ऑफ विदस्टैंड हाई टेम्परेचर शुड बी अप्लाइड ऑन दी स्टीम पाइप फर्स्ट। जो इंसुलेशन हाई टेम्परेचर को बियर कर सकती है उस इंसुलेशन को हमें पहले लगाना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है, क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द स्टीम पाइप, इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, सो इट विल बी रिसीविंग मोर हीट एज कंपेयर टू द आउटर इंसुलेशन। नाउ सेकेंड इंसुलेशन वी एड, सेकेंड इंसुलेशन मैंने ग्रीन कलर से बना दिया, लो टेम्परेचर है तो उसे ग्रीन कलर से बना दिया, हाई टेम्परेचर को रेड कलर से बना दिया, दो इंसुलेशन लगी हुई है। उसने थिकनेस भी बता दी है कि जो फर्स्ट वाली इंसुलेशन है उसकी जो थिकनेस है वो 50 mm है और सेकेंड इंसुलेशन की जो थिकनेस है दैट इज 40 mm। उसने थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है, जो हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर वाली जो पाइप है उस इंसुलेशन है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी दे रखी है। थर्मल कंडक्टिविटी लिख लेते हैं, के वन अंदर वाले की थर्मल कंडक्टिविटी है 0.092 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस और बाहर वाले की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है, 0.062। लो टेम्परेचर इंसुलेशन बोल रहा है ना, लो टेम्परेचर इंसुलेशन तो बाहर लगाएंगे तो लो टेम्परेचर इंसुलेशन की थर्मल यस सर। कंडक्टिविटी 0.062 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस दे रखी है। 0.062 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस इट इज गिवन ऑलरेडी। बुद्धि प्रकाश मीना आप ज्वाइन हो रहे हैं यार, क्या हो रहा है बच्चों को। ओके, अब हमको सिर्फ अंदर वाले स्टीम का जो पाइप है उसका रेडियस पता है, हमको बाहर वाले इंसुलेशन की जो
जो आउटर रेडियस है वो नहीं पता और उसके बाहर वाले के इंसुलेशन की रेडियस भी नहीं पता, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बना लेते हैं। लेट्स से ये अंदर वाली पाइप, ये उसके बाहर की पाइप और ये उसके बाहर की इंसुलेशन। अंदर का एरिया हम आर वन हमको पता है रेडियस गिवन है 240 mm, बाहर का अपने को रेडियस नहीं पता लेकिन थिकनेस पता है, बोल रहा है 50 mm की थिकनेस है। अगर 50 mm की थिकनेस है तो बाहर वाला जो इंसुलेशन है जो पाइप के जस्ट बाहर है उसकी जो रेडियस होगी दैट विल बी 240 प्लस 50 mm 290 mm। ठीक है ना, ये समझ में आ रही है बात? बहुत सिंपल चीज है। यस सर, बहुत लोग इसमें भी गलती करते हैं। अब उसके बाहर की जो इंसुलेशन है उसकी थिकनेस उसने बोल दी है कि 40 mm है, उसके बाहर की इंसुलेशन 40, जो इंसुलेशन की थिकनेस है वो 40 mm है। अब 40 mm उसकी थिकनेस है तो उसकी आउटर रेडियस निकालने के लिए मैं ऐसा R2 में जोड़ दूं, R2 जो कि 290 mm है उसमें 40 mm जोड़ दूं तो इट विल बिकम 330 mm। इज इट ओके? Is that okay? ठीक है ना आप? Yes sir. Okay. Yes sir. Okay. Now अब क्या बोल रहा है देखो उसके आगे पढ़ो। The inner and the outer surface are measured at 390 degree and 40 degree Celsius. मतलब inner and outer surface of what? Steam pipe. जो steam pipe का inner surface है ये pipe जो है ये वाला surface है। एक्चुअल में पाइप कुछ इस तरह है, कुछ पाइप की अपनी थिकनेस होगी जो बहुत कम होगी, समझ रहे हो? हेलो यस सर। जो पाइप है जो उसकी भी अपनी कुछ थिकनेस होगी जो बहुत कम होगी, जो इसमें बताई नहीं गई है कितनी है, लेकिन हम जानते हैं कि पाइप कोई बहुत इतनी पतली भी नहीं होगी कि उसकी कुछ थिकनेस ना हो, कुछ ना कुछ थिकनेस तो होगी, लेकिन वो नेग्लेक्टेड है यहाँ पर। और हमें पाइप के अंदर का टेम्परेचर दे रखा है, इस पॉइंट का टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर एट द इनसाइड ऑफ द पाइप, स्टीम पाइप के अंदर का टेम्परेचर दे रखा है। स्टीम पाइप के बाहर एक थर्मल कंडक्टिविटी K1, थर्मल कंडक्टिविटी K2 के इंसुलेशन लगे हुए हैं, लेकिन स्टीम पाइप के अंदर का रेडियस दे रखा है, सॉरी रेडियस बोल रहा हूँ, थर्मल टेम्परेचर दे रखा है। उसने एक बात और कही है इसमें कि जो कही नहीं है, पाइप बहुत पतली है तो इसकी जो थर्मल रेजिस्टेंस होगी वो भी बहुत कम होगी। थर्मल रेजिस्टेंस समझ में आती है ना? थर्मल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं पाइप की? LnR2/R1 अपन 2πkL ऐसे निकालते हैं ना? अगर R1 और R2 लगभग बराबर हो जाए, R1 tends to R2 हो जाए, R2 tends to R1 हो जाएगा, ये टर्म लगभग 1 के बराबर हो जाएगी, लॉग के अंदर की टर्म। यस सर, ये R2 अपन R1 लगभग बराबर के बराबर, लगभग 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 1 क्या होता है? 0। उसके बारे में उसने डिस्कस नहीं करा है। उसने पाइप तो बोली, स्टीम पाइप तो बोली है, डायमीटर भी दिया है उसने, लेकिन उसने डिस्कस नहीं किया उसके बारे में, डायमीटर रेडियस जो भी दे रखा है उसने डिस्कस नहीं किया उसके बारे में। ठीक है, समझ में आ रही बात? डिस्कस क्यों नहीं किया है? क्योंकि उसकी पाइप की थिकनेस ही इतनी कम रहने वाली है कि उसके थ्रू जो हीट ट्रांसफर होगा वो पूरा का पूरा हीट ट्रांसफर हो जाएगा, कुछ भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। अगर रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा और उस अंदर वाली पाइप के बाहर में जो टेम्परेचर होगा वो लगभग बराबर होगा। अगर जो अंदर स्टील की पाइप है, जिसके अंदर स्टील या किसी मेटल की पाइप है जिसके अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसके दोनों साइड पे टेम्परेचर लगभग बराबर होगा। ये बात समझ आती है? यस सर, यस सर। ठीक है, अब जो मेटल की जो पाइप है, मेटल की पाइप के बाहर लगी हुई है इंसुलेशन, है ना? मेटल की पाइप के बाहर इंसुलेशन लगी हुई है ना, इंसुलेशन K1, ये वाली यार, ये K1 इंसुलेशन का, समझ में आ रहा तुम लोगों को? यार क्या हो गया तुमको, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? यस सर, सर आ रहा है समझ में। ठीक है, ठीक है, ओके। अब एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर जो स्टील पाइप के बाहर का जो टेम्परेचर होगा और इंसुलेशन के जो अंदर का टेम्परेचर होगा वो लगभग बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों दोनों कॉन्टेक्ट में है।
ठीक है। तो अब इस कंडीशन में जो अंदर का टेम्परेचर है, इंसुलेशन के अंदर का टेम्परेचर, ये इंसुलेशन वन और ये इंसुलेशन टू, इंसुलेशन का अंदर का टेम्परेचर दैट इज टी वन, और इंसुलेशन और आउटर इंसुलेशन का जो टेम्परेचर है दैट इज टी थ्री या टी टू मान लो इसे, और ये एक्सट्रीम टेम्परेचर हमने वो गिवन है 390 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, बहुत इजी हो गया। हीट का जो कंडक्शन होगा वो रेडियल डायरेक्शन में होगा, और रेडियल डायरेक्शन में कंडक्शन हीट ट्रांसफर में हम जानते हैं ये कंपोजिट सिलेंडर का केस है, दो है इसमें K1 और K2, दो इंसुलेशन है यानी कि दो सिलेंडर्स लगे हुए हैं, तो पहले हीट का ट्रांसफर फर्स्ट सिलेंडर में होगा, देन हीट का ट्रांसफर सेकेंड सिलेंडर में होगा। टेम्परेचर एक्सट्रीम टेम्परेचर सबने हो गया है T1 T2, हम अंदर का जो कंडक्शन रेजिस्टेंस होगा सिलेंडर का, अंदर वाले इंसुलेशन का बाहर वाले इंसुलेशन का, वो दोनों का निकाल सकते हैं। कैसे? नेचुरल लॉग R2 / R1 / 2π K1L। सिमिलरली बाहर वाले इंसुलेशन का नेचुरल लॉग R3 / R2 / 2π K2L। अब बताओ इसमें कौन सी चीज तुमको नहीं पता? R2 R1 पता है, ये R2 ये रहा, अभी कैलकुलेट किया था, R1 ये रहा, ठीक है। सिमिलरली R3 भी पता है, K1 K2 पता है, और लेंथ भी पता है, ठीक है ना, लेंथ। इससे ये टर्म आ जाएगी, थर्मल रेजिस्टेंस निकल जाएगी यहाँ से, थर्मल रेजिस्टेंस कुछ टर्म आएगी। यस सर। अब एक बार बताओ, थर्मल रेजिस्टेंस तुमको पता है, हीट ट्रांसफर का जो फॉर्मूला होता है वो delta T / थर्मल रेजिस्टेंस, डेल्टा टी पता है तुमको 390 - थर्मल रेजिस्टेंस। हाँ जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? तो यहाँ से थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, ये हीट ट्रांसफर रेट आ जाएगा, ये क्या है, किसमें आएगा, वॉट में, किसमें आएगा, वॉट्स में, और वॉट्स क्या होता है, जूल पर सेकंड। बहुत लोग यही छोड़ देंगे क्वेश्चन को, ध्यान दो, सबसे पहले बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, टोटल हीट लॉस पर आवर, पर आवर, तो पर सेकंड तो इतना हो रहा है, पर आवर निकालने के लिए क्या करें, इसमें बताओ क्या करें, बताओ ना, नीचे नीचे डिनोमिनेटर में 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मतलब वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 60 से नहीं 3600 से, पर आवर निकालना है, एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं, सेकंड से है ना, टाइम चला जाएगा इसी में, कैलकुलेट करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, उसको यहाँ रखोगे 3600 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जूल पर आवर आ जाएगी। ये टर्म बहुत बड़ी होगी, इसे 1000 से भी डिवाइड कर दोगे अगर, तो फिर ये किलो जूल में हो जाएगी वैल्यू, किलो जूल पर आवर। समझ में आ गया? यस सर। लेट से इसको मैं Q1 बोल दूं तो ये Q2 हो गया, Q2 हमारा जो आंसर था वो है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, हीट लॉस पर मीटर स्क्वायर ऑफ द पाइप, पर मीटर स्क्वायर मतलब पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया ऑफ द पाइप, कौन सी पाइप, अंदर की पाइप जिसमें हीट का ट्रांसफर हो रहा है, सॉरी फ्लूड का ट्रांसफर होता है, हीट लॉस पर मीटर स्क्वायर ऑफ पाइप कैसे निकलेगा। ये अनिरुद्ध जांगिड़ अब ज्वाइन हो रहा है, कितना लेट करते हैं बच्चे यार, ज्वाइन सो रहे हैं पता नहीं क्या। तो हीट, टोटल हीट लॉस कितना है, Q2 अभी निकाला है ना, और पर मीटर स्क्वायर ऑफ पाइप, पाइप का एरिया क्या होगा, अंदर की पाइप का एरिया की बात कर रहा है, 2π R1L, सेकंड पार्ट हो गया हमारा। थर्ड है हीट लॉस पर मीटर स्क्वायर ऑफ आउटर पाइप, आउटर सरफेस, पर मीटर स्क्वायर आउटर सरफेस निकाल लोगे? यस सर। कैसे निकलेगा, Q2 / 2π R3L, ठीक है, 2π R2L R3 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 R3
आउटर सरफेस बोला उसने, आउटर सरफेस हीट लॉस पर मीटर स्क्वायर ऑफ आउटर सरफेस, यहाँ तो पाइप बोल दिया था उसने, पाइप सरफेस यानी पाइप के अंदर वाला सरफेस, आउटर सरफेस ये वाला सरफेस है बाहर वाला, ये वाला जो कि बाहर के फ्लूड के कांटेक्ट में है, एम्बिएंट एयर के कांटेक्ट में है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने वाला है, बोल रहा है टेम्परेचर बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ थिकनेस, ये थोड़ा सा तुमको ध्यान से देखना चाहिए, ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं। हीट का ट्रांसफर हो रहा है अंदर की इंसुलेशन से, ये मैंने इंसुलेशन रॉड यहीं पे बना दी, ये पाइप मान लो, ये पाइप है ना, पाइप का एक सेक्शन बना दिया मैंने, समझ में आ रही है, पाइप का सेक्शन है, हेलो अंदर वाले थर्मल रेजिस्टेंस एल एन आर टू बाई आर वन अपॉन टू पाई के वन एल, बाहर वाली एल एन आर थ्री बाई आर टू अपॉन टू पाई के टू एल, ये हमको पता है, यहाँ का टेम्परेचर पता है अपने को टी वन और यहाँ का टेम्परेचर पता है टी टू, बोल रहा है यानी किसका शोर आ रहा है यार, बंद करो शोर को, माइक बंद करो या जिसके भी बैकग्राउंड में कुछ शोर हो रहा है, बोल रहा है इंटरमीडिएट टेम्परेचर बताओ, इंटरमीडिएट टेम्परेचर टी आई दो इंसुलेशन के बीच का इंटरमीडिएट टेम्परेचर बोल रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि जो हीट यहां से फ्लो कर रही है क्यू, वो हीट फ्लो करती हुई यहां से जाएगी यहां तक पहुंचेगी, फिर सेम हीट यहां से फ्लो करती हुई जाएगी फिर यहां पहुंचेगी, ठीक है ना, ऐसा ही तो होगा। जब ये हीट यहां से यहां फ्लो कर रही है, फर्स्ट इंसुलेशन में फ्लो कर रही है, तो जो इसे उसके लिए जब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो टी और टी आई होगा, टी माइनस टी आई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो कर रही होगी, और उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो पहला रेजिस्टेंस होगा। सिमिलरली ये हीट जब आगे बढ़ेगी तो ये टी आई और टी टू के बीच में फ्लो कर रही होगी, टी आई और टी टू, टी आई माइनस टी टू जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और उसके बीच में जो रेजिस्टेंस ऑफ वॉर होगा वो नेचुरल लॉग आर थ्री बाई आर टू अपॉन टू पाई के टू एल होगा। ये तुमने शायद अगर तुम सोच पाओगे, अगर तुम थोड़ा सा इमेजिन करो तो समझ में आ जाएगी ये चीज कि सेम हीट ही फ्लो कर रही है, हीट कहीं जनरेट नहीं हो रही है, कहीं लॉस नहीं हो रही है, जो हीट यहाँ से अंदर जो फ्लूड भरा हुआ था उसी फ्लूड से ये हीट निकली और वही हीट बाहर तक गई है, वो हीट यहाँ भी फ्लो हुई है और थोड़ी देर बाद वो यहाँ भी फ्लो हुई है, समझ में आ रही है बात? हाँ सर। ठीक है, अगर ये हीट पहले फ्लू पहले उसमें फ्लो होगी, अगर पाइप में फ्लो होगी तो T1 और TI की वजह से होगी और सेकेंड TI माइनस T2 की वजह से होगी, इन दैट केस मैं हीट का जो फ्लो है, जो फ्लो रेट है उसको मैं T1 माइनस TI डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग R2 बाय R1 अपॉन 2 पाई K1L से भी कैलकुलेट कर सकता हूं। ये वही हीट है जो मैंने यहां निकाली है, यहां Q2 मैंने ये Q1 निकाली है, यही वाली हीट है, यही वाली हीट जो मैं आगे निकाल, इसी को मैं आगे कैलकुलेट कर रहा हूं, ये वही Q है। इसको एक और तरीके से निकाल जा सकता है, ये हीट जब यहां फ्लो कर रही होगी तो इट विल बी टी आई माइनस टी टू अपॉन नेचुरल लॉग R3 थ्री बाई आर टू अपॉन टू पाई के टू एल, ठीक है, ये बात समझ में आई? हाँ सर। ये बात समझ में आ गई तो आगे आने वाले बहुत से क्वेश्चन तुम बहुत आसानी सॉल्व कर लोगे, पहली चीज। दूसरी, इस क्वेश्चन में इंटरमीडिएट टेम्परेचर भी बहुत प्यार से सॉल्व कर ले जाओगे, ये टी आई तुमको सिर्फ अननोन है, T1 पता है, T2 पता है, R2, R1, K1, L, R3 सब पता है तुमको इस क्वेश्चन में, सिर्फ TI नहीं पता, तो इस इक्वेशन को लगा के तुम TI भी निकाल लोगे। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन दिया था मैंने मिड टर्म में क्वेश्चन दिया था जिसमें इंटरमीडिएट टेम्परेचर निकालना था स्लैब्स का, ये तो सिलेंडर पढ़ा रहा हूं मैं, स्लैब मैंने जब तक पढ़ा चुका था, स्लैब में इंटरमीडिएट टेम्परेचर निकालना था,
समझ में आ रही है? वो शायद बहुत से लोगों ने नहीं किया, एक दो लोगों ने ही किया, इंटरवल टेम्परेचर नहीं निकाला है. ओके सो ये पूरा हो गया. कितना टाइम हुआ लेक्चर को? कितना टाइम हुआ? 20 मिनट. अच्छा टाइम है अभी. ठीक है सर, इसका थर्ड वाला पार्ट बताते हैं. थर्ड वाला बता दूं थोड़ा सा? ओके हाँ सर, एक बार और. ओके ओके नो प्रॉब्लम. ये सर्कल नजर आ रहा है सबको? सर्कल नजर आ रहा है सबको? हाँ सर. यस सर. ओके फ्लूइड यहां पर है अंदर, ये आउटसाइड एयर है. ठीक है, हीट का फ्लो रेडियल होना है. जब हीट फ्लो होगी तो अंदर का कुछ टेम्परेचर है T1 और बाहर का कुछ टेम्परेचर है T2 और दोनों स्लैब के बीच का टेम्परेचर है TI. जब हीट क्यू फ्लो हो रही है तो पहले, वैसे अगर देखा जाए तुम इस छोटे से एलिमेंट को भी देखो ना, तो इस एलिमेंट के लेफ्ट साइड पे और इस एलिमेंट के राइट साइड पे जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, उन टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वो क्यू हीट फ्लो हो रही होगी और उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस होगा, नंबर वन. दूसरी, अगर सेम हीट को तुम यहां से यहां के रेफरेंस में देखो, सिर्फ फर्स्ट इंसुलेशन के रेफरेंस में देखो, तो हीट का जो फ्लो होगा वो T1 और TI टेम्परेचर के वजह से होगा, सिर्फ इनकी वजह से होगा, और इन दोनों के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा जो पहली इंसुलेशन की वजह से होगा. मैं ये कहना चाहता हूं, ये बात तुमको समझ में बैठ रही है दिमाग थोड़ी बहुत दिमाग में? कौन था बुद्धि? यस सर. कौन? कपिल बोला था ना, कपिल. किसने पूछा था अभी? दिलीप ने. दिलीप, तुम्हारे समझ में आ रही है? दिलीप, मैं क्या बोल रहा हूं, इतनी बात समझ में आ रही है क्या? मैं ये क्या बोल रहा हूं? नहीं आ रही, नहीं आ रही. अरे बता दो भाई. आ रही है सर. मैं ये कह रहा हूं, जब हीट क्यू फ्लो होती है यहां से यहां, तो सेम हीट यहां जाती है, सेम हीट यहां जाती है और सेम हीट बाहर निकल जाती है. हीट का जो फ्लो है वो लगभग सेम है. चलो तुमको वो याद है, रेजिस्टेंसेस याद है, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स के रेजिस्टेंसेस याद है, जो 11th क्लास की फिजिक्स की जो रेजिस्टेंस डायग्राम हुआ करता था, ये याद है थोड़ा बहुत? ये V1 टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस, V2, हाँ सर याद है ये तो, V3 V4. ठीक है, अब आई करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, आई करंट को निकालने का, अगर मैं आई करंट इस रेजिस्टेंस के अंदर फ्लो देखूं, तो मैं कह सकता हूं इस रेजिस्टेंस के जो फ्लो हो रहा है वो V1 माइनस V2 की वजह से हो रहा है और रेजिस्टेंस जो है वो R1 है. इतना पता है दिलीप? दिलीप हाँ सर. ये पता है ना? हाँ सर पता है. ठीक है हाँ सर. सेम करंट फ्लो होके दूसरी रेजिस्टेंस में पहुंचा, तो अब ये करंट V2 और V3 की वजह से हो रहा है इस सेकेंड रेजिस्टेंस R2 में. तो सेम करंट को मैं V2 माइनस V3 अपॉन R2 फॉर्मूले से भी लिख सकता हूं. सेम करंट, यही करंट आगे बढ़ के थर्ड रेजिस्टेंस में गया R3 में, V3 माइनस V4 पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हो रहा है. तो V3 माइनस V4 पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन थर्ड थर्मल रेजिस्टेंस, सॉरी थर्ड रेजिस्टेंस R1, ऐसे लिख दिया, R3 लिख दिया. ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया सर? अगर ये समझ में आ गया हाँ सर, ये तो पता है. ठीक है, अब तुम ये मुझे बताओ, अगर ये तुम्हारे समझ में आ गया, तो सेम हीट T1 और TI टेम्परेचर के बीच में फ्लो हो रही है, जैसे सेम करंट V1 और V2 रेजिस्टेंस के फ्लो, V1 और V2 पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो हो रहा था, सेम हीट क्यू यहां फ्लो हो रही है अंदर वाली इंसुलेशन में T1 और TI की हेल्प से. अगर T1 और TI की हेल्प के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हो रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे कि डेल्टा V हुआ करता था T माइनस TI,
अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस अंदर वाला, ऐसे नहीं लिखा जा सकता क्या? हाँ सर लिखा जा सकता है, सेम ही हुआ, सेम ही होगा ना। सिमिलरली इसको हाँ सर, टी आई माइनस टी टू अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड, यही हीट फ्लो होकर आगे भी तो जाएगी सेकेंड वाले में, अब वो टी आई और टी टू की वजह से हो रहा होगा। समझ आया ये बात? हाँ सर। दिलीप आया ना? हाँ सर आई। अगर ये बात समझ में आ गई तो सेम चीज मैंने यहाँ पे यूज करी है, देखो टी आई ये वाला जो है टी वन माइनस टी आई डिवाइडेड बाय टू पाई नेचुरल लॉग आर टू वाई आर वन अपॉन टू पाई के वन एल, ये कुछ नहीं है जब बल्कि सिर्फ थर्मल रेजिस्टेंस वन है, ठीक है ना? हाँ सर ये तो पता। सिमिलरली ये हो गया सर, रेजिस्टेंस टू क्लियर हो गया ना? बस हाँ सर एक क्लियर होना जरूरी था। ओके क्या क्या हुआ? हेलो कौन बोल रहा है, क्या चाहिए भाई? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करें, टाइम कितना बचा है अभी? हेलो अभी है सर टाइम, है सर 40 मिनट से पहले मुझे बता देना, दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा अदरवाइज, ठीक है ना? हाँ सर ठीक है, 40 मिनट बंद हो जाती है क्लास, ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है अ गैस फिल्ड ट्यूब, एक ट्यूब है 2 mm इनसाइड डायमीटर एंड 25 सेंटीमीटर लेंथ, एक ट्यूब है जिसका कि अंदर का डायमीटर दे रखा है उसने डी आई, कह रहा है 2 mm 20 सेंटीमीटर लेंथ, लेंथ उसकी दे रखी है 25 सेंटीमीटर, ये लेंथ हो गई। ठीक है, अ गैस इज हीटेड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ डायमीटर, इलेक्ट्रिक वायर ऑफ डायमीटर 50 माइक्रोन का डायमीटर है, लोकेटेड एट द सेंटर, जो कि सेंटर पे लोकेटेड है इसके, लोकेटेड देख सकते हैं करें। अच्छा वही कह रहा है कि ये पाइप है, इस पाइप के अंदर एक गैस फील्ड है और इस पाइप ये कुछ गैस है इसके बीच में, और इस पाइप के बिल्कुल एक्सिस पे सेंटर पे एक वायर है जिसका कि डायमीटर है 50 माइक्रोन्स का, जो डायमीटर है पाइप का, जो अंदर वाली पाइप है, जो जो है डी वन मान लो, मैं इसे डी टू मान लेते हैं, डी वन मान लिया, तो ये 50 माइक्रोन्स का बोल रहा है, 50 माइक्रोन का मतलब 50 × 10⁻⁶ मीटर्स, मीटर्स में आ गया ये, या 0.05 mm। इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है इस वायर में, इस वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो इसमें कुछ हीट जनरेट होगी, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें हीट जनरेट होगी, इस हीट के जनरेशन की वजह से जो अंदर का जो वायर का आउटसाइड टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, और इस और हीट का ट्रांसफर वायर से पाइप की तरफ होगा। ये समझ में आ रही है बात? हेलो सर आ रही है ना? आ रही है सर। ये एक तरह के रेडियल कंडक्शन ही है, इसमें अंदर का डायमीटर और बाहर का डायमीटर अपने वो गिवन है, ठीक है। करंट का फ्लो कितना बोल रहा है? कह रहा है करंट एंड वोल्ट, द करंट एंड द वोल्टेज ड्रॉप अप्रोच द हीटिंग एलिमेंट ऑफ 0.5 एम्पीयर एंड 2 वोल्ट्स, करंट दे रखा है और वोल्टेज, करंट दे रखा है 0.5 एम्प्स और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 4 ohm का है ना? ओम से वोल्ट का, सॉरी वोल्ट है, V2 वोल्ट, वोल्ट। अब जब भी किसी रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होता है आई वी पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी की वजह से, तो उसमें जो हीट जनरेट होती है वो वी इंटू आई होती है, ये पता है ना? नहीं पता तो बहुत सिंपल सी चीज है, हीट जनरेटेड इज
वी इंटू आई, या फिर इसको आई स्क्वायर आर भी कहते हैं, या फिर इसको वी स्क्वायर बाई आर भी कहते हैं। इसे आई स्क्वायर आर लॉसेस भी बोलते हैं, जो हीट लॉस होता है इसे आई स्क्वायर आर लॉसेस भी बोलते हैं, क्योंकि आई स्क्वायर आर लॉस, आई स्क्वायर आर इसका फॉर्मूला होता है। तो वी इंटू आई से इसमें जो हीट जनरेट होगी वो हीट कैलकुलेट की जा सकती है, दैट इज 2 वॉट्स। क्यों? यस सर, है ना, 2 वॉट। ये जो करंट होता है ना एम्पेयर, ये एक्चुअली चार्ज का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ चार्ज इन कूलम पर सेकंड होता है। तो पर सेकंड, तो ये जो एनर्जी का चेंज आएगा, जो V into I की जो टर्म आएगी वो जूल पर सेकंड में आएगी, इसलिए इसको वॉट लिखा गया है। 2 वॉट की हीट जनरेट हो रही है यहाँ पे, 2 वॉट। दिस हीट हैज टू बी कंडक्टेड रेडियली अक्रॉस द गैस ट्यूब, गैस ट्यूब की जो गैस की जो ट्यूब है उसमें रेडियल कंडक्शन होना है इसका। ये छोटी सी अंदर एक वायर है और इसका रेडियल कंडक्शन होना है इस तरह। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें, और इसमें गिवन क्या है अपने को, इफ द मेजर्ड वायर एंड इनसाइड ट्यूब वॉल टेम्परेचर आर दिस 175 एंड 150 डिग्री सेल्सियस। वो कह रहा है वायर का टेम्परेचर अपने को गिवन है, ये पिछला वाला क्वेश्चन किया उससे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वायर का टेम्परेचर गिवन है और वॉल का इनसाइड टेम्परेचर गिवन है, कह रहा है अंदर की थर्मल कंडक्टिविटी बताओ क्या है। ये हो जाएगा, जो हीट फ्लो होगा वो डेल्टा टी अपॉन नेचुरल लॉग आर टू बाई आर वन अपॉन टू पाई के एल होगा, ये पता है ना। हाँ सर। और ये हीट फ्लो है वो 2 वॉट्स के बराबर है, टेम्परेचर डिफरेंस भी हमको पता है, टेम्परेचर डिफरेंस क्या है 175 माइनस 150 डिवाइड बाई नेचुरल लॉग। R2 by R1 अपने को निकालना है, R2 by R1 कैसे निकलेगा ये बताओ। R2 क्या होगा इसमें, 1 mm, सर ठीक है, और R1 क्या होगा, R1 इस डायमीटर का हाफ हो जाएगा, ये डायमीटर वायर का डायमीटर है, ये डायमीटर गिवन है ना, तो वायर का डायमीटर कितना होगा 0.025 mm, है ना, 50 microns है ना, 50 microns का half कितना होता है 25 microns, microns मतलब micrometer, 0.025 mm हो जाएगा। तो natural log R2 by R1, R2 कितना था 1 mm divided by R1 0.025 mm divided by 2 pi k thermal conductivity हमको calculate करनी है, और length भी अपने को given है, कितनी है length 25 centimeter। अब मुझे एक बात बताओ, लेंथ में मीटर में रखूं, एमएम में रखूं, सेंटीमीटर में रखूं? एमएम में, एमएम में, एमएम में। क्यों, क्यों? क्योंकि आर वन आर टू एमएम में। मुझे पता था, मुझे पता था तुम लोग ये बात जरूर बोलोगे। मैंने आर वन को एमएम में रखा है, 1 mm डिवाइडेड बाय 0.025 mm किया है। एमएम से एमएम कट गया ना यार बेटा, ये यूनिटलेस हो गई ये टर्म तो ना, लॉग के अंदर जो यूनिट लिखी है वो यूनिटलेस है, ये टर्म 1/0.1 डिवाइड बाय 0.025 जो है ये यूनिटलेस है, एमएम डिवाइड बाय एमएम। अगर मीटर में लिख दूं उसे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मीटर में रखेंगे, मीटर में रखेंगे, ऐसा यूनिट में रखेंगे, 25 सेंटीमीटर यानी कि 0.25 मीटर, ठीक है, is equal to 2। यहां से हम थर्मल कंडक्टिविटी निकालेंगे। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, वो चीज ये कि जो 175 और 150 जो टेम्परेचर रखा है मैंने डिग्री सेल्सियस में रखा है, केल्विन में क्यों नहीं रखा, why not in केल्विन, why in डिग्री सेल्सियस, बताओ। कोई बताओ भाई, बहुत सिंपल चीज है वो, इसलिए क्योंकि अगर मैं T1 और T2 को अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट कर भी लेता तो 175 प्लस 273 माइनस 150 माइनस 273 कट जाता। जब भी टेम्परेचर डिफरेंस लेना हो तो 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस या 20 केल्विन का टेम्परेचर डिफरेंस बराबर होता है,
पता है ये बात? यस सर, ये बात सब पता है ना, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा ज्यादा मेहनत ना करने के लिए डिग्री सेल्सियस में ही रख दिया। थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ से आ जाएगी, कंडक्टिविटी निकाल लेना, ठीक है? ओके बस आज के लिए इतना ही है, आज की क्लास के लिए, ठीक है? कल